Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this is the first part of my hair care routine. Like video, एक ही video है but ये अभी रात का time है तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मेथी का पानी बनाती हूँ and I have been using it since last 3 months now and I can see a huge difference. Literally मेरे बाल I would say heavy लग रहे हैं, भारी लग रहे हैं, thick लग रहे हैं एंड ऑब्वियसली लाइक हेयर फॉल खत्म नहीं हुआ है बिकॉज आई डोंट थिंक सो हेयर फॉल खत्म हो सकता है बट आई वुड से यू नो हेयर ग्रोथ अच्छी हो चुकी है एंड स्पेशली काफी सारे बेबी हेयर है जो अभी दिख नहीं रहे क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपने बाल डिटैंगल किए हैं. जब मैं सुबह सो के उठूंगी तो वो सब यू नो लाइक यहाँ पे से खड़े रहेंगे सो मैं सुबह दिखाऊंगी. एंड अभी बात करते हैं मैं मेथी का पानी कैसे बनाती हूँ. सो आई यूज दिस मच वाटर ओनली, बस इतना ही. स्टार्टिंग में मैंने गलतियां की थी लाइक मैं इसको पूरा भर लेती थी एंड आई वुड से वो बहुत ज्यादा हो जाता था बट यू डोंट नीड दैट मच, इतने से भी काम चल ही जाता है. एंड मैं इसको बस लाइक इतना ही लेती हूँ एंड मैं इसमें डाल के नहीं यू नो उसको रात भर छोड़ती हूँ. आई विल ट्रांसफर दिस वन इनटू अ ग्लास एंड मैं स्टील के ग्लास में इसको डाल दूंगी एंड आई वुड से ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है एंड देन आई विल टेक मेथी. हॉर्लिक्स के डब्बे में मेथी है एज यू गाइस कैन सी एंड आई वुड से अप्रोक्स 20 to 30 मैं मेथी के दाने लूंगी. मतलब अंदाजे से मैं बोल रही हूँ लाइक मैं इतनी लेती हूँ, दैट्स इट. आपको उतनी ज्यादा नहीं चाहिए. स्टार्टिंग में मैंने काफी ज्यादा गलतियां की थी लाइक लिटरली मैं इतना बड़ा स्टील का टोपिया लेके एंड देन उसको पूरा पानी का भर के उसमें इतनी सारी मेथी में हमेशा लाइक यू नो वेस्ट होती थी बट यू डोंट नीड दैट मच. एंड अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो मैंने अभी तक लाइक जब मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में मैंने इसको लिटरली पूरा भर लिया था आई थिंक मुझे 2 वीक्स चल गया था, मुझे और मेरी बहन दोनों को, तो लाइक वो 8 टाइम चल गया था तो उतना नहीं जरूरत है. स्टोरेज आप इसको 2 वीक्स तक कर सकते हैं, मैंने उतना ही किया, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया एंड या उतने में खराब नहीं होता बट अगर इसको काफी लंबे समय के लिए आप बाहर छोड़ दोगे इतनी गंदी स्मेल करेगा, ये बहुत गंदी. एंड नाउ आई जस्ट यू नो मैं इसको इसमें डाल दूंगी एंड मैं रात भर के लिए इस पे ऐसे एक कटोरी लगा के छोड़ दूंगी. ऑल्सो अगर बात करें लाइक हेयर फॉल की सो लाइक अभी भी हेयर फॉल होता है एंड आई विल शो यू गाइज दिस इज द अमाउंट ऑफ हेयर फॉल विच आई फेस एवरी टाइम आई कॉम माई हेयर. लाइक ये शावर के बाहर है, शावर में आई थिंक इसका डबल होता है एंड आई वुड से अप्रॉक्स 20 to 30 बाल होंगे एंड या एंड मिनिमम मैं अपना दिन में लाइक एक बार तो मैं रात में सोने से पहले मैं अपना यू नो लाइक बालों को डिटैंगल करती हूँ, नहीं तो काफी बार दिन में 2 बार भी हो जाता है बट मिनिमम एक बार तो होता ही है. एंड आई डोंट ओपन माई हेयर एनीमोर एज यू गाइस नो, मतलब काफी टाइम हो गया मैं खुले बालों के साथ नहीं सोती. अब आई मेक 1 braid or 2 braids एंड मैं उसी में सोती हूँ एंड या लाइक यही बेसिक चीजें हैं एंड मैं और डेप्थ में बात करूंगी सुबह. सो आई विल सी यू गाइज सुबह. हाय गाइस, तो सुबह हो चुकी है एंड नाउ आई विल शो यू हाउ आई अप्लाई दिस मेथी का पानी. एंड एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे जो ये बाल है ऊपर, ये बेसिकली न्यू ग्रोथ हुई है, जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे. सो लाइक या ये काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ हुई है यहाँ पे, लाइक ये खड़े ही रहते हैं, चोटी में भी फिट नहीं आते क्योंकि काफी ज्यादा छोटे हैं. एंड द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज डिटैंगल माय हेयर क्योंकि रात भर इवन दो चोटी थी बट फिर भी नो लाइक थोड़े उलझ जाते हैं, वो टैंगल हो ही जाते हैं. ऑल्सो लाइक एक और चीज जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है इज दैट मैं कभी भी अगर अपने बाल डिटैंगल करने बैठती हूँ तो मैं डायरेक्टली कॉम यूज नहीं करती. फर्स्ट आई यूज माई फिंगर्स टू डिटैंगल देम एंड लाइक अच्छा खासा मैं उनको 5-10 बार करने के बाद ही आई यूज माई कॉम, मतलब मैं डायरेक्टली कॉम नहीं कर लेती. एंड अभी भी एज यू गाइस कैन सी अभी भी हेयर फॉल हो रहा है. सो लाइक या हेयर फॉल लाइक स्टॉप नहीं कर सकते, आई पर्सनली फील यू नो लाइक हम हेयर फॉल खत्म नहीं कर सकते, होगा लाइक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बट यू कैंट स्टॉप इट एंड स्टॉप करेंगे भी तो लाइक काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा. सो लाइक या सो ये मैंने हाथों से कर लिया. नाउ आई विल यूज माई कॉम एंड मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी इनको लाइक कॉम करना एंड देन ऊपर से. सो लाइक ये मैंने पूरे बार पीछे कर लिए हैं एंड आई हैव माई पानी ओवर हियर. मेथी का पानी एज यू गाइस कैन सी थोड़ा येलो हो चुका है एंड आई नो काफी कम लग रहा होगा बट इतना ही चाहिए. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ऐसी स्प्रे बॉटल, काफी ज्यादा यू नो इजी हो जाता है इसे अप्लाई करना. एंड जो टोनर वाली बॉटल्स होती है आई थिंक उससे बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है. मैंने एक दो बार यूज भी किया है वो बॉटल्स लाइक पहले, सो लाइक उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है. सो नाउ आई जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट अप्लाइंग अपने रूट्स पे सबसे पहले, लाइक इनको पार्ट कर करके यहाँ पे ऐसे पार्ट, देन मिडिल पार्टीशन में. एंड आई वुड से ये जो मेरा मिडिल पार्टीशन है ना लाइक ये थोड़ा थिक था पहले, लाइक यू नो मोटा था क्योंकि गैप ज्यादा था बट अभी गैप काफी ज्यादा कम हो गया, बहुत पतली लाइन हो गई है.
एंड आई विल जस्ट स्प्रे इट. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी मम्मी डांटेंगी क्योंकि मैं बेडशीट पे कर रही हूँ एंड गीली हो गई थी क्योंकि मैं इसको काफी बार लाइक काफी बार किया, मतलब मैं हमेशा ही इसको अपने सिंक के पास ही करती हूँ, बाथरूम के पास. एंड लाइक ऐसे हाथ कर करके एंड देन आई विल जस्ट स्प्रे इट. प्यारा है. एंड लाइक मैं इसको मसाज भी करती हूँ, लाइक आई एम नॉट जस्ट मसाजिंग इट फॉर द वीडियो, लाइक इन जनरल भी. एंड अभी मैं इसको ऐसे पार्टीशन करके लाइक अपने पीछे वाले एरिया में जाऊंगी पूरा. एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील मेरे बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं, लाइक इतने मेरे लंबे बाल लाइक कभी थे नहीं, लाइक लास्ट लॉकडाउन में इससे भी लंबे थे, बट वो तो बस लॉकडाउन था इसीलिए. एंड मैंने लास्ट हेयर कट लिया था फेब में, सो ऑलमोस्ट लाइक एक साल होने वाला है 3 महीने में. बहुत गंदी तरह से पानी टपकता है, इसको लगाना थोड़ा मेहनत का काम है. ये मैंने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लिया एंड जो भी अभी बचा हुआ पानी है लाइक इतना, इसको मैं पूरा अपनी लेंथ पे लगाऊंगी एंड वो मैं वहां बाहर लगाऊंगी, नहीं तो यहाँ पूरा बेडशीट पे गिर जाएगा. एंड आई विल बी बैक आफ्टर दैट. सो एज यू गाइस कैन सी मैंने अपने नीचे के भी बाल गीले कर लिए, मैं उनको उतना ज्यादा गीला नहीं करती एंड स्टिल लाइक इतना पानी बच चुका है तो एज आई सेड कि इतना काफी है. एंड नाउ मैं बस अपना लाइक एक बन बना लूंगी नीचे. एंड एक गलती जो मैं काफी ज्यादा करती थी वॉज दैट मैं कुछ भी DIY कुछ भी लगा के इतना टाइट बन बनाती थी, मुझे लगता था टाइट बन से सब कुछ सोक होगा, बट ऐसा नहीं होता है. सो लाइक मैं नीचे ही बहुत आई वुड से लूज बन बना लूंगी एंड मैं इसको छोड़ती हूँ लाइक मिनिमम 1 आवर, तो लाइक 1 to 1.5 आवर्स, लाइक एक नहीं तो 1.5 घंटा उतने मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ. आप चाहे तो एक प्लास्टिक पन्नी भी लपेट सकते हैं बट आई डोंट डू दैट, मैं बस डायरेक्टली ऐसे ही इसको छोड़ देती हूँ. एंड इन माई शावर आई विल बी यूजिंग माई क्लिनिक प्लस का शैम्पू एज usual. I have been using this since like you know काफी time से and इसके बाद I will be using the Nykaa का shampoo. ये I think इतना बचा हुआ है अभी भी, so like yeah half से कम बचा है. and then my Recuil का conditioner as you guys can see like ये बहुत ज़्यादा कम बचा है. to be honest I feel मैंने दो लेके काफी बड़ी गलती की and अगर मैं Nykaa की sale तक wait कर लेती तो मैं एक ही ले लेती, but yeah like ये काफी ज़्यादा अच्छा है, so I will be using that. and उसके बाद मैं वापस आके आपको अपना routine बताऊंगी which I follow like after shampoo, उतना बड़ा नहीं है but yeah. So, मैं जस्ट अभी शावर से निकली एंड एज यू गाइस कैन सी मैंने अपने बाल धो लिए हैं. एंड नाउ व्हाट आई डू इज मैं कोई भी कॉटन टी शर्ट लेती हूँ, कॉटन टी शर्ट या टी शर्ट, ये मेरे पास कॉटन ताल नहीं है. सो एंड इसमें मैं अपने बाल राफ कर लेती हूँ फॉर आई वुड से 15 मिनट्स. 15 मिनट्स इज द मैक्स, उससे ज्यादा मैं लाइक अपने बाल नहीं करती, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये बट काम चल जाता है इससे. एंड मैंने जितना नोटिस किया है कि मेरा एक्चुअली फ्रिज काफी कम है जब से मैं लाइक ये कॉटन टी शर्ट मैंने स्टार्ट करना यूज करना स्टार्ट किया है. एंड या मैं अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी फॉर 15 मिनट्स एंड आई विल टॉक अबाउट सम अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आई यूज टू. सो द फर्स्ट वन इज यू गाइस नो मैं वीक में एक बार मेथी का पानी यूज करती हूँ एंड वीक में एक बार मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ. फॉर दैट आई यूज द साफा ब्लैक सीड ऑयल एंड ये भी लाइक हाफ से भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, खत्म होने वाला है. सो द थिंग इज मुझे इससे कोई डिफरेंस नहीं दिखा है अपने ग्रोथ में, लाइक मेथी के पानी से डेफिनेटली डिफरेंस दिखा है बट इससे मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है. बट लाइक इट इज गुड टू ऑयल योर हेयर, मतलब वीक में एक बार कर सकते हो आप, उतना ज्यादा कुछ यू नो नुकसान नहीं करता एंड बाल आई वुड से मॉइस्चराइज्ड होता है. जैसे स्किन में हमें जैसे मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है वैसा ही बालों के साथ भी केस है. सो पर्सनली आई फील कि यू नो इससे मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं. सो जब भी मैं ब्लैक सीड साफा ऑयल यूज करती हूँ तो फर्स्ट मैं अपना नॉर्मल क्लिनिक प्लस से शैम्पू करती हूँ एंड देन आई गो इन विद दिस सत्वा शैम्पू. एंड काफी लोग बोलते हैं यू नो लाइक एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी दिस शैम्पू, आई डोंट लाइक
बिलीव इन देम. मुझे नहीं लगता कि किसी शैम्पू से आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता, नहीं हो सकता. डाइट से एंड देन यू नो अलग चीजों से एंड देन मेथी का पानी, आई वुड से इसने रीग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प किए. तो आई थिंक ऐसी चीजों पे यू नो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है. शैम्पू का काम होता है स्कैल्प को क्लीन करना, जो कोई भी शैम्पू कर देगा. एंड काफी लोग बोलते हैं नो एसएलएस फ्री, सल्फेट फ्री एंड ऑल. एंड मैंने लाइक ट्राई किए हैं बट मुझे उतने कुछ खास पसंद नहीं है. आई स्टिल हैव द नाइका वन, उसको मुझे भी ट्राई करना है, उसको मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है. एंड ये वाला एज आई सेड उतना ज्यादा फोम नहीं होता, सो जब भी मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ आई यूज दिस एज अ सेकेंड शैम्पू. And talking about hair serum, so I have this Livon hair serum which I have been using since last I think 11th standard से. I think 4-5 साल हो चुके हैं and as you guys can see ये इतना बचा है. एंड नहीं ना ही मैं इसको डैम बालों पे ना ही गीले बालों पे कुछ नहीं करती. अभी जो मेरे बाल है लाइक मैं इनको सूखने दूंगी, दैट्स इट. एंड मैं इनको जरा भी टच नहीं करूंगी, मैं कोम कुछ भी नहीं करूंगी. एंड सीधा लाइक शाम को अगर मुझे बाहर जाना है तो आई विल यूज दिस सीरम. फिर मैं उनको साइड में पार्ट करके देन अपने फिंगर्स से पहले उनको डिटेंगल करके एंड देन आई गो इन विद माई वुडन कोम. मैं उससे ज्यादा लाइक इनको यू नो उतना छेड़ती नहीं हूँ. मैं कंघी भी लाइक दिन में आई वुड से रात में सोने से एक बार पहले तो करती ही हूँ हमेशा, बट दिन में भी काफी बार एक बार कर लेती हूँ, काफी बार नहीं भी करती हूँ. सो आई वोंट टच देम अप डायरेक्टली. जब मैं शाम को बाहर जाऊंगी तब मैं कोम करूंगी. एंड आई वुड से दैट्स ऑल आई डू. मतलब मैं उतना ज्यादा लंबा चौड़ा रूटीन नहीं, आई डोंट यूज एनी हेयर मास्क और एनीथिंग, क्योंकि लाइक रिकूल का जो कंडीशनर है उसी से मेरा काम हो जाता है, फ्रिज पे काम कर जाता है. एंड या लाइक उतना बेसिक ही है मेरा. एंड आई वुड हाईली 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 रिकमेंड मेथी का पानी. मुझे काफी ज्यादा डिफरेंस दिखा है इन माई हेयर फॉल, इन माई हेयर ग्रोथ, जो मैं फर्स्ट टाइम लाइक नोटिस कर रही हूँ. क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने कुछ भी प्रोडक्ट्स है कुछ भी ट्राई किया, मुझे किसी में भी हेयर ग्रोथ नहीं दिखा है. सो आई वुड से लाइक इट इज रियली गुड. एंड आई नो लाइक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट आई वुड से 15-20 मिनट निकाल ही लेना अपने दिन में एंड ट्राई दिस. एंड लाइक आई एम इन लव. एंड आई थिंक मैंने किसी का वीडियो देखा था एंड उसमें आई डोंट इवन रिमेम्बर द पर्सन, आई थिंक कोई फॉरनर थी एंड उसी ने ही उस वीडियो में मेथी का पानी यूज किया था. एंड मैंने काफी यू नो लाइक लोगों के फिर कमेंट्स पढ़े उस वीडियो पे, लाइक काफी व्यूज थे. एंड फिर मैंने कमेंट्स पढ़े एंड काफी लोग बोल रहे यार इट वर्क वर्क. सो आई वाज लाइक नो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि लाइक मैंने मेथी को पीस के लगा रखा है बट इतना ज्यादा लाइक हर जगह पूरे फ्लोर पे मेथी मेथी, उसको निकालना इतना मुश्किल. पर उससे बाल जो सॉफ्ट होते हैं, सो लाइक मैं उसको भी यूज करती हूँ आई वुड से 1 मंथ. उससे ज्यादा मुझसे लाइक मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेथी एंड दही का मिक्सचर अपने सर पे लगाऊं एंड देन वेट करूं 2 घंटा फिर निकालू एंड उसकी स्मेल इतनी गंदी स्मेल. सो आई वुड से बालों को इतना ज्यादा स्मूद एंड शाइनी करता है. एंड अदर देन दैट आई डोंट डू मच. मैं अपने बालों को लाइक आई वुड से मैं काफी ज्यादा जेंटल हो गई अपने बालों के साथ, स्पेशली डी टैंगलिंग के टाइम. नहीं तो पहले मैं बहुत रफ थी, मैं कंघी से करती रहती थी, इतना ज्यादा हेयर फॉल होता था. सो लाइक या मैं बेसिक चीजें ही करती हूँ, काफी ज्यादा कंट्रोल करती हूँ लाइक यू नो अपने बालों को खींचना ना. एंड रात में भी मैं चोटी बना के ही सोती हूँ, क्योंकि चोटी बना के नहीं सोगे तो लाइक यू नो काफी ज्यादा डी टैंगल हो जाएंगे वो खुले बाल. सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. एंड जैसा मैंने बोला कुछ ज्यादा यू नो लाइक काफी सारे स्टेप्स नहीं है, बेसिक स्टेप्स ही है. एंड मेथी का पानी हैज बीन वर्किंग ग्रेट फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज इट. एंड अगर आप हॉस्टल में है तो देन ऑल्सो यू कैन यूज इट. यू जस्ट नीड मेथी एंड पानी, लाइक यू नो कुछ भी गैस या किसी की भी जरूरत नहीं है. सो आप भी इजिली इसको चीज को यूज कर सकते हैं. एंड या लाइक हेयर ऑयल करना भी इंपॉर्टेंट है. आई वुड से ऐसा हेयर ऑयल चूज करिए जो काफी ज्यादा लाइट वेट हो, लाइक दिस वन काफी लाइट वेट है. एंड ये ट्राइब कॉन्सेप्ट का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, वो भी काफी ज्यादा लाइट वेट है. सो आई वुड से लाइट वेट ऑयल्स ही आप चूज करिए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.